कांतिलाल भूरिया ने कहा कि जनता ने मुझे एक बार फिर से आशीर्वाद दिया है, मैं शानदार जीत की ओर अग्रसर हूँ, मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ झाबुआ का विकास है, मैं जीत का श्रेय मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। भूरिया जनता का आभार जताने खुली जीप पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के साथ निकले। बता दें कि कांतिलाल भूरिया पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे थे। उनका मुकाबला इस बार भाजपा के भानु भूरिया से था। विधानसभा झाबुआ उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। डाक मत पत्रों की शुरुआती गिनती में भाजपा के भानु भूरिया जरूर आगे रहे, लेकिन इसके बाद वे कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को मात नहीं दे पाए। राउंड दर राउंड कांतिलाल की लीड बढ़ती गई और 15वां राउंड आते आते लीड का आंकड़ा 15,000 के पार जा पहुंचा। इतनी लीड मिलते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए और भूरिया के निवास पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हार फूल लेकर पहुंच गए। यहां परिजनों ने भी उनकी आरती उतारी और माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। भूरिया जय हो।